दो बार गलत ग्लूकोज लगाया, शिवरिंग शुरू हुई। अगर हम अवेयर ना होते, फैमिली वाले यहाँ ना होते, पढ़े लिखे मेरे बच्चे पास ना होते, मेरे हस्बैंड का भी आज हम आज तीसरा चौथा दिन उधर दत्त का। इतनी लापरवाही है कि पूछो मत। यहाँ पे दिन के में लोग बचते कम होंगे, मुझे लगता है कि मरते ज्यादा है। ये देखना शुगर पेशेंट है और एक नर्स आ रही है, इनको शिवरिंग दूसरे दिन शिवरिंग शुरू हो गई, लेकिन आपके कहते हैं कि ये गलत ग्लूकोज लग गया, डॉक्टर देखने वाला नहीं है यहाँ पे। अंदर से ओनली ओनली स्टूडेंट है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फर्स्ट ईयर, अदरवाइज सीनियर डॉक्टर और दिन में एक बार आते हैं। इवन यहाँ तक कि हम जो ग्लूकोज लगता है शुगर वाला, वो भी हम बाहर से खरीदते हैं। एक पैसे की दवाई यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं है क्या? मोदी जी कहते हैं कि गरीबों का भला, गरीब कहाँ पे, गरीब तो खत्म हो गया है। एक तो कोविड की वजह से खत्म हो रही है, एक डॉक्टरों की लापरवाही से खत्म हो रही है। ये कौन सा ग्लूकोज गलत लगा रहे थे वो बताएंगे? ये जो DS5 लगाया, आपको पता है शुगर वाले को प्लेन वाला लगता है, DS5 नहीं लगता। दो बार इन्होंने ऐसा किया, रात को भी, मॉर्निंग दूसरे दिन तो मेरे हस्बैंड मौत के मुंह से वापस आए। समस्या है बताइए, समस्या क्या है? हमारा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, कौन सी जगह थी नन्ना? जलंधर में PGI से हम छुट्टी मिली थी, आए थे जलंधर, एक्सीडेंट हुआ और यहाँ पे आए रात को 2 बजे पहुँचे। 2 बजे यहाँ पहुँचने के बाद आज कितने दिन हो गए, पेशेंट की हालत देख लो, मल्टी प्रॉब्लम है, क्लॉट है, पेशेंट बोल नहीं सकता, पेशेंट सिर्फ एक शोर मचाता है, जब भी पूरी रात शोर मचाएगा तो इन्होंने एक नींद का इंजेक्शन देना होता है, कह रहा कि नींद का इंजेक्शन दे दो, अदरवाइज कोई नहीं है यहाँ पे फैसिलिटी। और यहाँ देखो ये देखना शुगर पेशेंट है और एक नर्स आ रही है, इनको शिवरिंग दूसरे दिन शिवरिंग शुरू हो गई, लेकिन आपके कहते हैं कि ये गलत ग्लूकोज लग गया, डॉक्टर देखने वाला नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर अंदर किसी बात से? ओनली ओनली स्टूडेंट है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फर्स्ट ईयर, अदरवाइज सीनियर डॉक्टर और दिन में एक बार आते हैं, वो भी सिर्फ ऐसे फाइल पलटा पढ़ के A to Z। इवन यहाँ तक कि हम जो ग्लूकोज लगता है उस शुगर वाला, वो भी हम बाहर से खरीदते हैं। एक पैसे की दवाई यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं है क्या? मोदी जी कहते हैं कि गरीबों का भला, गरीब कहाँ पे, गरीब तो खत्म हो गया है यहाँ पे। और मैं खुद वुमेन फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हूँ, जिस टाइम चौधरी लाल सिंह मिनिस्टर थे उस टाइम लगता था कि ये हॉस्पिटल है, आज देखिए कि हॉस्पिटल की हालत। अमीर जो है वो तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाएगा, प्राइवेट जाएगा, लेकिन गरीब तबका तो यही मरेगा। और मैं दो बार यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई है कि दो बार गलत ग्लूकोज लगाया, शिवरिंग शुरू हुई। अगर हम अवेयर ना होते, फैमिली वाले यहाँ ना होते, पढ़े लिखे मेरे बच्चे पास ना होते, मेरे हस्बैंड का भी आज हम आज तीसरा चौथा दिन उधर दत्त का। लापरवाही, लापरवाही, इतनी लापरवाही है कि पूछो मत। यहाँ पे दिन के में लोग बचते कम होंगे, मुझे लगता है कि मरते ज्यादा है, और इन डॉक्टरों की वजह से। तो यहाँ पे जो बड़े अधिकारी हैं या प्रशासन के बड़े, उनसे बातचीत? प्रशासन क्या है, प्रशासन खुद इन्हीं का यस मैन है, प्रशासन क्या करेगा, खुद वो अपने घर भर रहे हैं। गरीबों के लिए यहाँ मेडिसिन की कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है किसी के लिए। सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, कोई बिल्कुल, सुपरिटेंडेंट के पास भी गए थे, एक डॉक्टर है जो एक हम बुला रहे हैं कि उनका वो ब्लॉक हुआ था, ग्लूकोज चल नहीं रहा था, बुला रहे हैं, वो कहते हैं कि हम रात की ड्यूटियां देते हैं। मैंने कहा कि आप पब्लिक सर्वेंट हो, ड्यूटी तो दोगे, गवर्नमेंट आपको तनख्वाह किसकी देती है? लेकिन उसने जाके सुपरिटेंडेंट को बोला, सुपरिटेंडेंट ने जो मरीजों की नहीं सुनी, उसे फर्स्ट ईयर की जो स्टूडेंट थी उसकी सुन ली, और भी डॉक्टर ने जो यहाँ पे, मैं कहती हूँ मेरा अपना धर्म ईमान है, इतनी लापरवाही है, लापरवाही है कि पब्लिक खत्म होने पे है। एक तो कोविड की वजह से खत्म हो रही है, एक डॉक्टरों की लापरवाही से खत्म हो रही है। ये कौन सा ग्लूकोज गलत लगा रहे थे वो बताएंगे? ये जो DS5 लगाया, आपको पता है शुगर वाले को प्लेन वाला लगता है, DS5 नहीं लगता। दो बार इन्होंने ऐसा किया, रात को भी, मॉर्निंग दूसरे दिन तो मेरे हस्बैंड मौत के मुंह से वापस आए कि जगदम हमने बोला कि ये गलत ग्लूकोज दे रहे हो, फटाफट भागे इधर उधर भागे, वो ग्लूकोज चेंज करवाया और 2 घंटे के बाद वापस थोड़ा सा सांस वापस आया मेरे हस्बैंड का। तो ये चीज सुपरिटेंडेंट से आपने बात की? बिल्कुल, हम गए, वही बताया ना कि डॉक्टर की गलती से, और नर्सें बेचारी हैं बहुत अच्छी हैं, बट डॉक्टर यहाँ पे इतने लापरवाह हैं कि पूछो मत। अगर आप मीडिया पर्सन हमारे समाज के हो, यहाँ के हो, लेकिन आपको ये आवाज दूर तक पहुंचानी चाहिए कि यहाँ पे बड़ी लापरवाही हो रही है। मैं खुद एक लंग देखना, लंग 3 पसलियां टूटी हुई है, पानी भरा हुआ है, अगर पानी भर जाता तो इन्होंने क्या करना चाहिए था इलाज? कुछ नहीं किया इन्होंने, अभी हम PGI लेके जा रहे हैं इनको।
मजबूर होके। ये हालत है जम्मू की, जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, कि जिस तरह से साफ तौर पर इन्होंने कहा कि अगर जिस तरह से लापरवाही जो सामने इन्होंने देखी, इन्होंने आरोप लगाए कि जो ग्लूकोज चढ़ाना चाहिए था वो नहीं चढ़ाया, लेकिन पेशेंट जो है बाल बाल बचा। और उसके बाद जब ये सुपरिटेंडेंट से बातचीत की इन्होंने, तो उन्होंने भी जो है डॉक्टर का जो उस वक्त थे वहाँ पर मौजूद उनका साथ दिया। ये बड़े आरोपों के साथ सामने आए हैं तस्वीरें जो हैं इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। अब ये PGI चंडीगढ़ में लेकर जा रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर इनका विश्वास जो है इस अस्पताल से उठ गया है। शायद डॉक्टर जो है इनका विश्वास नहीं जीत पाए।